Assalamualaikum. Welcome to Khidr Entertainment and welcome to Ramzan. All and me Mohammed Khidr Hayat. Ramzan ka chand mubarak. Jaisa ki aapko pata hai ki Ramzan mein hum Musalman bhai behan roza rakhte hain. Aaiye aaj main aapko roze ke kuch adab batata hoon. Kuch tareeke batata hoon aur kuch khushiyan baantta hoon. जैसा कि तो आप लोगों को पता है रमजान बहुत अहम और बहुत मुकद्दस महीना है। कुछ ऐसे काम और कुछ ऐसी बातें जो हम रोजे में नहीं कर सकते और ये मैं आज आपको बताऊंगा। रोजा एक निहायत अहम इबादत है। इस्लाम में इसका खास मकाम है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रोके रखने का काम नहीं बल्कि तमाम बुराइयों से और तमाम गुनाहों से रुके रहने का नाम है। रोजे में झूठ बोलने से गुरेज करना चाहिए। तमाम बुरे काम जैसे कि मिसाल के तौर पे रिश्वत, बेईमानी, नाप तोल में कमी और झूठ वगैरह से गुरेज करना चाहिए। रोजे में सबसे ज़रूरी ये बात है कि आप किसी दूसरे बंदे को तकलीफ ना दें, अपने हाथ और जबान से किसी को ईज़ा ना पहुँचाएँ। अगर रोज़ा रख लेने के बाद इंसान झूठ, गइबर, चुगली, बोहतान तराशी और बेहुदा गोई दूसरे आमाल से अपने आप को नहीं बचाता तो ये रोज़ा नहीं फाका कहलाता है। रोज़ा रखने के रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे। नंबर वन, रोज़ा इंसान को सब्र और शुक्र करने वाला बनाता है। नंबर टू, रोज़ा रखने से अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनूदी हासिल होती है। नंबर थ्री, रोज़ा रखने से अखलाक वो रूहानियत की कुव्वतें पैदा होती हैं। नंबर चार, रोज़ा इंसान के दिल व दिमाग को रोशन बनाता है। नंबर पाँच, रोज़े में भूख, प्यास की तकलीफ गुनाहों का कुफारा बन जाती है। नंबर सिक्स, रोज़ा रखने से इंसान में इंकिसारी और आजिज़ी पैदा हो जाती है। नंबर सात, रोज़ेदार हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में शुमार होता है। नंबर आठ, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका अजर अल्लाह ताला खुद देगा। नंबर नौ, रोज़ा इंसान में एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। नंबर दस, रोज़ा रखने से इंसान में गरीबों की ज़रूरतों का एहसास पैदा हो जाता है। नंबर ग्यारह, रोज़ा जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाता है। नंबर बारह, रोज़ा रखने से जिस्म में मौजूद फासिद मादे खुश्क हो जाते हैं। नंबर तेरह, रोज़ा दिमागी काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। नंबर चौदह, रोज़ा शुगर लेवल कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। नंबर पंद्रह, रोज़ा रखने से उम्र में बरकत होती है। अगर आपको मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा और मेरे को दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा।